हरे कृष्णा। गोविंदम के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम ये वीडियो आरंभ करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे कर लें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के बीच इसे अवश्य शेयर करें। तो मित्रों, आपको लगता होगा कि इस्कॉन किस तरह से 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाता होगा, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस्कॉन मीरा रोड ने इस राष्ट्रीय पर्व को ऐसे बच्चों के बीच मनाया जिनको कि प्रायः समाज का सभी वर्ग उपेक्षित करते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां स्थित है संतोष इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन। ये 15 अगस्त 2022 का दिन था जब इस्कॉन मीरा रोड ने यह पहल की और इस्कॉन की पूरी टीम प्रसादम लेकर उस स्थान पर पहुंच गई उन बच्चों के बीच 15 अगस्त मनाने के लिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या उन्हें और कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जिनके कारण उनके परिवारों ने उन्हें वहां छोड़ रखा है। आइए देखते हैं कि इस संस्थान संतोष फॉर ऑटिस्टिक एंड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर दत्ताराम फोंडे क्या कहते हैं। उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में जाके एक्सपायर हो गया। देन मैं वो जय वकील करके स्कूल है वहाँ पर गया, तब मैं 1996 में ऑफिस बॉय का काम करता था और 7 से 11 बजे तक जॉब करता था, ऑफिस बॉय का जॉब करता था इधर विक्की में सिद्धार्थ कॉलेज में 11 से जॉब करता था। उसके बाद मेरे मम्मी को जब ऐसा हो गया तो हम साइकेट्रिक के पास लेके गए, तब उन्होंने बोला कि आपके मम्मी को एक धक्का लगा है, उसको गांव में भेजो कर। तब मैंने मेरा जॉब वगैरह कॉलेज छोड़ के मैं मम्मी के साथ गांव चला गया, 2 साल गांव में रहा, फिर वो ठीक हो गए, लेकिन मेरा जॉब भी तो सब गया हुआ था। तब मैंने डीएड किया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मंदबुद्धि का। देन मैंने 12 साल जॉब किया अलग अलग स्कूल में, लेकिन हर एक स्कूल में क्या होता था, जो अच्छे बच्चे उनको ही एडमिशन दिया जाता था। राइट। जो हाइपर एक्टिव है, जो पॉटी ट्रेन है, जो तो एक जगह पे बैठते नहीं है, जो गरीब पेरेंट्स है, उनको स्कूलों में नहीं लिया जाता था। फिर मैंने 2007 एक अपना ट्रस्ट ओपन किया, मुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ तक आऊँगा करके, और जो मेरा भाई एक्सपायर्ड हो गया था संतोष करके, उसके नाम से संतोष इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन ट्रस्ट करके मैंने 2007 में शुरू किया। तब मैंने भाड़े से ऐसे स्कूल में एक एक क्लास लिया, वहाँ पर ऐसे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है या तो पॉटी ट्रेन नहीं है, एक जगह पर बैठते नहीं, ऐसे बच्चों का ग्रुप करके उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिखाना शुरू कर दिया। तो लोगों को पता चला धीरे धीरे ऑल ओवर बॉम्बे में अलग अलग लोकेशन में मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो गया। फिर 2011 में 2 बच्चों को स्कूल से निकाला गया क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, स्कूल में बैठ नहीं सकते, पॉटी करते हैं, तो उनके माँ बाप रोने लगे अभी क्या करने का करके। फिर मैंने उन बच्चों के लिए स्कूल चालू किया 2011 में। 2016 में यहाँ पर अभी ऋषि के साकरे करके एक लड़का है, उसकी बहन का एग्ज़ाम था मेडिकल का, और रात में उठ के उसने सब उसका बुक्स फाड़ दिया प्रैक्टिकल का, देन वो सुसाइड वगैरह करने के जा रहे। उसकी मम्मी फिर जहर लेके आई मेरे पास, ये तो जहर दे दो मेरे को, नहीं तो मेरे बच्चों को संभाल। फिर उसके लिए मैंने रेसिडेंशियल सेटअप शुरू किया, एक बैंड्रा में एक चाल में एक घर ले लिया 2000 रेंट पे और उसको वहाँ पे रख दिया, बोलो चलो मैं रखता हूँ। देन ये मेरा स्टोरी चालू हो गया। आज की डेट में बॉम्बे में 6 जगह पर अपने स्कूल है, जैसे बैंड्रा में है, कांदिवली में है, मीरा रोड में है, डोंबिवली में है, बेलापुर में है और विले पार्ले में है, जहाँ पर अराउंड 350 बच्चे स्कूल में आते हैं और घर चले जाते हैं। उसके साथ रहने के लिए अलग अलग जगह पे हमारे मोर देन 100 बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे 35 बच्चे हैं, कांदिवली में 20 है, बेलापुर में 10 है, डोंबिवली में 10-15 है, ऐसे अलग अलग जगह पे जो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं है या जिनके माँ बाप ओल्ड हो गए हैं, अभी इन बच्चों को संभालने को ताकत नहीं है, या सिंगल पेरेंट्स है जो काम पे जाते हैं बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है, या जिसके माँ बाप नहीं है, उस टाइप के बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनको हम सवेरे साथ 24 आवर्स संभालते हैं। लास्ट मोर देन 18 साल हो गया ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, उसमें हम बच्चे को हर चीज़ करना पड़ता है हमको, जैसे उनको नहलाना है, उनको 2 टाइम खाना 2 टाइम नाश्ता देना है, उनका ब्रशिंग करना है, उनको कपड़े है,
अगर मेडिकल रिलेटेड कुछ है, हर चीज़ मतलब हाइजीन रिलेटेड क्लीनिंग करना ये करना सब करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ऑटिस्टिक हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो बात नहीं करते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, वो सडनली हाइपर हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चों का एज बढ़ता है वैसे उनका उनका काम भी बढ़ जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बढ़ जाता है। हमारे जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनके, लेकिन इन बच्चों को कुछ काम नहीं रहता है तो इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो चैनलाइज होना जरूरी है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स लेना, आउटडोर एक्टिविटी लेना, उनको पढ़ाना है, उनका रिक्रिएशनल है, डांस है, योगा, ये सारा करना पड़ता है। हर फेस्टिवल हम यहाँ करते हैं, जैसे अभी गणपति आएंगे तो 10 दिन गणपति रहते हैं, देवी आएगी तो देवी रहते हैं, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन रहता है, हर चीज़। जैसे आज 15 अगस्त आप देखोगे तो नॉर्मल से भी अच्छे बच्चे हमारे मतलब ड्रेस वगैरह डाल के मॉर्निंग में 6 बजे से टीचर आए दूर दूर से उनको मतलब तैयार करने के लिए। डॉक्टर दत्ताराम फोंडे की अपील के संदर्भ में इस्कॉन की सिग्नेचर प्रोजेक्ट फूड फॉर लाइफ, जो कि सारी दुनिया में विख्यात है, उसके स्थानीय केंद्र यानी कि मीरा रोड केंद्र के इंचार्ज हिज ग्रेस गजेंद्र आनंद प्रभु कहते हैं। और बांद्रा में कितने बच्चे हैं? बांद्रा में हमारे ऐसे 30 बच्चे स्कूल के लिए, 10 बच्चे रहते हैं हमारे साथ, कांदिवली में ज़्यादा रहते हैं, कांदिवली में 20 लोग रहते हैं टीचर। और कांदिवली और बांद्रा, हाँ वो भी हम मेरे को शेड्यूल दे दो आप, हाँ तो कांदिवली और बांद्रा में भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा कभी भी आप बच्चे लोग को हमारे मेरे रोड में ला सकते हैं, तो एनी टाइम देखिए आप खाली मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तो उसके प्रसाद के लिए रहेगा। लेकिन कांदिवली एंड बांद्रा, कांदिवली तो रेगुलर फीचर रहेगा, मेरा रोड कांदिवली में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग जाके करेंगे। समाज से उपेक्षित ऐसे बच्चों के बीच में इस तरह से राष्ट्रीय पर्व को मनाना, उनकी गतिविधियों में भाग लेना और उनके लिए सुस्वाद प्रसादम की व्यवस्था करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन इस्कॉन मीरा रोड ने ये कार्य इस 15 अगस्त को बखूबी कर दिखाया। आप देख रहे होंगे कि बच्चों के बीच में संबोधित करते हुए हिज ग्रेस गजेंद्र आनंद प्रभु ने कहा, जो उसके लायक रहता है उसी के हाथों उसी के संरक्षण में उसको ये सींचने के लिए देते हैं कि ये हमारे बहुमूल्य फूल हैं, ये हमारे बहुत ही इनको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। क्यों स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है? क्योंकि भगवान के हिसाब से ये बहुत स्पेशल, इसीलिए इनको स्पेशल चाहिए बोला जाता है। ये सही माने में बहुत ही बहुमूल्य फूल है। बच्चों का उत्साह, उनकी ललक, उनकी लालसा देखते ही बनती थी। सभी एक ही प्रकार के, एक ही रंग के वस्त्रों में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करते हुए ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग नहीं हैं। जरूरत है तो सिर्फ हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की, ताकि वो हमारी इस मुख्य धारा में शामिल हो सके। ये बच्चे भगवान की ही देन है और हम सब उस परमात्मा से जुड़ने के लिए तत्पर हैं, जिन्होंने किसी एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए हमें इस जगत में भेजा है। बच्चों की ये शारीरिक या मानसिक अयोग्यता उनको छोटा नहीं होने देती। उनमें जो गुण हैं वो बहुत उच्च श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी हाइपर सेंसिटिव एक्टिविटीज उनके लिए परिवार से दूर रखती हैं। परिवार के लोग यानी कि माता पिता, भाई बहन उनको अपने घर में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको ऐसे आश्रय स्थलों में जाना पड़ता है। संतोष इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन ये एक ऐसी संस्था है
जिसके लिए आप देखें कि भारत भर के तमाम सारे समाचार पत्रों ने उसको कवरेज दिया है। बहुत सारे प्रमाण पत्र और बहुत सारी शील्ड्स इस संस्था को मिल चुकी हैं। इस संस्था के कार्यों के लिए समाज के हर तबके ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का श्रम है और वो है डॉक्टर दत्ताराम फोंडे। ये कार्य इसी तरह से अनवरत चलते रहें और राष्ट्रीय या सामाजिक उत्सवों में इन तथाकथित अयोग्य बच्चों का योगदान बना रहे, ऐसी ही हमारी सबकी कामना है और इस्कॉन इस कार्य में हमेशा आगे और आगे बढ़ता रहेगा। आपसे निवेदन है कि यदि आप इस्कॉन की इस फूड फॉर लाइफ स्कीम में भाग लेना चाहते हैं, कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।